guys, welcome to the second episode where we explore bazaars and day 2. So, कोई भी शहर को explore करना हो तो पहले बाजार देखा जाता है, तो ही पता चलता है कि शहर का असली essence क्या है. So today we'll be exploring Jaipur bazaar. So let's go. So join me in this journey and let's explore what all Jaipur's markets have. Mapo Bazaar, Nehru Bazaar, and Jauhari Bazaar in Jaipur are one of the most famous markets of the city. Both the markets are adjacent to each other. Mapo Bazaar and Nehru Bazaar are known for block print bags, kurtis, juttis, saris and so on. On the other hand, Jauhari Bazaar is mainly known for its silver and artificial jewelry. These bazaars are a paradise for shopaholics and culture enthusiasts. While strolling through the lanes of Nehru Bazaar, you can make a quick pit stop to relish a Rajasthani meal. Ganesh Restaurant is a rooftop restaurant which has been serving ravishing food for over 50 years. A narrow staircase leads to their terrace. They have both outdoor as well as indoor seating where you can savor delicious Rajasthani cuisine. Jaipur is known as the land of kings, where majestic forts and opulent palaces are more numerous than anywhere else in India. So in this vlog, let's spend a royal afternoon in the city palace. Watch till the end for all the details. Hi! राजा ने जयपुर सिटी फाउंड किया था 1727 तो रेजिडेंस घर के रूप में पहला जो बिल्डिंग बनाया था लोग दिस बिल्डिंग नेम इज अ मून पैलेस चंद्र महल क्रीम कलर हाँ ये लोग अगर बिल्डिंग देख रहे हैं ये जयपुर का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बना था 7 स्टोरी बिल्डिंग है और आज भी जयपुर का रॉयल फैमिली पैलेस में लाइब्रेरी पैलेस का नाम रखा गया चंद्र महल मून पैलेस जब की फर्स्ट क्वीन पहली महारानी का नाम था मिस चंद्रवती कौर सोने के नाम से पैलेस का नाम रखा चंद्र महल मून पैलेस पैलेस भी देखिए 5 फ्लैग के 2 फ्लैग लगे हुए हैं इंडियन फ्लैग में 3 कलर हो एज एम जो म्यूजियम देख रहे दिस अ प्राइवेट प्रॉपर्टी नॉट इज अ गवर्नमेंट जो ऑनर टेकिंग ट्रस्ट इसे ट्रस्ट बनाया गया इसे ट्रस्ट के जो ऑनर है वो रॉयल फैमिली में और फ्लैग पे एक छोटा फ्लैग और लगाया गया सवाया कहते हैं यू नो सवाई सवाई पे एक टाइटल उपाधि जो महाराजा सवाई जयसिंह जी को मुगल किंग ने दिया था होता ना शेर से सवा शेर मोर देन एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट आवरिकिंग टाइटल ऑफ सवाया नाउ इज द करंट किंग नेम महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह इज अ इंटरनेशनल पोलो प्लेयर सो महाराजा जयपुर में अवेलेबल रहते हैं देर आर 2 फ्लैग एंड महाराजा साहब जयपुर से बाहर चले जाएंगे तो छोटा वाला फ्लैग रिमूव कर दिया जाएगा देर इज 2 फ्लैग महाराजा इन साइड सिंगल फ्लैग महाराजा आउट साइड देर आर 2 फ्लैग सो महाराजा भी जयपुर में अवेलेबल है
और हम जो पैलेस विजिट कर रहे थे 1959 में ओपन किया गया, तो सिटी पैलेस के 80% पार्ट को म्यूजियम में, बाकी का पैलेस में कन्वर्ट किया गया। तो हम जो म्यूजियम का फर्स्ट बिल्डिंग देखेंगे, लुक एट दिस बिल्डिंग, बिल्डिंग नेम दीवानी खास, दीवानी आम दीवानी खास, जो कॉमन वर्ड एवरी फोर्ट एंड एवरी पैलेस में विजिट करेंगे हर जगह देखने मिलेगा आपको, दीवानी आम दीवानी खास। दीवानी खास द प्राइवेट ऑडियंस ऑफ दीवानी आम दिस पब्लिक ऑडियंस ऑफ दिस दीवानी खास द प्राइवेट ऑडियंस हिंदी कॉलोनी दीवानी खास सर्वतोभद्र सभी कार्य के लिए बनाए विशेष स्थान। धनराजवीर ऑलिफ ने तीज फेस्टिवल, गनगौर फेस्टिवल, दशहरा फेस्टिवल, पूजा सेलिब्रेशन प्रोग्राम यहीं सेलिब्रेट एज ए सर्वतोभद्र। आगे हम देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े चांदी के कलश जयपुर। दिस 9 नवंबर की महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड इज ए रिलीजियस किंग, धार्मिक राजा। तो महाराजा खाने पीने में गंगा जल पानी जोता था, गंगा जल पानी को रखने के लिए सिल्वर कोट बनाए गए थे, जिसे एक कलश को बनाने के लिए 14,000 सिल्वर कोट मेल्ट किए गए थे, फिर एक सिंगल पीस बनाया गया और एक सिंगल पीस को बनाने में 2 ईयर का समय लगा। 1902 के अंदर महाराजा साहब इंग्लैंड गए थे, दोनों पोर्ट के अंदर गंगा जल भरती है अपने साथ इंग्लैंड भी गए थे। पर पीस का एमपीटी वेट 340 kg, पर पीस कैपेसिटी 2000 लीटर। दुनिया के सबसे बड़े चांदी कलश जयपुर में दो ही चीजें गिनी चुके, चांदी कलश एक जंतर मंत्र का वॉच टावर, जंतर मंत्र देखा आप लोगों ने, ऑब्जर्वेटरी, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल टावर और जंतर मंत्र का। तो महाराजा जो है वो ही इज करंटली स्टेइंग देयर ओनली, आज भी रहते हैं, तो उनका रेसिडेंस है वहां पे, किसी को अलाउड नहीं होगा उसको देखने के लिए। रॉयल टूर होता है उसका, पर कैंडिडेट का 3000 टिकट, आप भी उसमें विजिट कर सकते हैं वो रॉयल टूर। तो अभी भी वो फेस्टिवल्स के टाइम पे यहां पे आते हैं जी, आज भी इसको जैसे ब्लू रूम, गोल्ड रूम, मिरर रूम है उसे देखने के लिए रॉयल टूर होता है। सो 3000 टिकट है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो हाफ टिकट। नीचे शांति का लाश मिलेगा। So this is one of my favorite books by an Indian author named Chitra Banerjee, and I have been very excited to come to Jaipur just because there's this door that's on the cover in Jaipur in City Palace, and I can't believe because I am standing right in front of that, so it's like a dream come true. So the real door is much prettier than the book cover. So if you are in Jaipur, this should be one of the things on your bucket list. So do come to City Palace and take a photo in front of this door. Ground के अंदर पुराने समय कारपेट कालीन बिछाए जाते थे। हमने सामने जो कार्टून पर्दे लगे गैलरीज हैं, नीचे के जेंट्स राजा महाराजा मेहमान के लिए सिटिंग अरेंजमेंट होता था। अपर साइड देखे स्मॉल विंडोज बनाए, खिड़कियाँ बनाई थी, ऑल टाइम से कार्टून प्रदर्शन रानी महारानी अदर महिलाओं के लिए विंडोज होती, पहले जाली झरोके होते थे, पीछे जो जाली झरोके देख रहे हैं आप लोग इस प्रकार के बने हुए हैं। ये विंडो के पीछे कोई व्यक्ति खड़ा है, बाहर के व्यक्ति को आसानी से देख सकता था, बट बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता, इस प्रकार के जाली झरोके बनाए गए हैं। इंडिया से 4 सीजन होते हैं, 4 गेट बनाए गए जो रिप्रेजेंट करते थे सीजन को। तो पहला वाला गेट देखते हैं, जो फर्स्ट गेट आप इको गेट रनिंग सीजन, इसी के सामने बना हुआ ग्रीन गेट देयर इज अ ऑटम सीजन, विंटर सीजन, लोटस, समर सीजन, 4 सीजन 4 गेट, सीजन के अकॉर्डिंग डोर ओपन होता है। तो सिर्फ एक ही डोर से फैमिली दिखेगी, तो एक ही डोर से एंट्री देते थे। हाँ, अकॉर्डिंग टू इवेंट्स, अच्छा, यानी जो इवेंट होने वाला है, कल्चर के प्रोग्राम जो होने वाला है उसमें वो डोर ओपन होता था। एंट्री देन एग्जिट, आर्टिस्ट जो होते थे उस डोर से किया करते थे। ओल्ड एज मूवी जो भूलभुलैया मूवी देखा आपने, मंजुलिका वाला भूलभुलैया, अपने भाई हम साथ साथ हैं, 100 एवं मूवी यहाँ शूट हो चुका है। पीछे शिव टेंपल बना हुआ है, जिसे राज राजेश्वर मंदिर है। शिव टेंपल पीछे जो ईयर में पब्लिक के लिए 2 दिन ओपन होता है, महाशिवरात्रि देन गोवर्धन पूजा, दिवाली के नेक्स्ट डे ये ओपन होता है। 1902 में गेस्ट हाउस के रूप में बिल्डिंग बनाया गया, देन जो भी रॉयल में गेस्ट मेहमान आते थे उनका यहाँ वेलकम करते थे, देन आफ्टर पैलेस में लेके जाते थे। आफ्टर 1959 के बाद म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया था, इस बिल्डिंग को कॉस्टल पार्ट में कन्वर्ट किया गया। ताजमहल विजिट किया होगा आप लोगों ने, चारों ओर से एक ही प्रकार का बना हुआ है। इंडिया की सेकंड बिल्डिंग जिसे मुबारक महल है, तो देखने में चारों ओर से एक ही प्रकार का बना हुआ है। बिल्डिंग में आप आर्किटेक्चर देखते हो हिंदू एंड मुगल शैली का मिश्रण मिलता है। क्लोज रूप में टेम्पल आर्ट में जो वर्क लगे थे हिंदू आर्किटेक्चर है, जो व्हाइट स्टील फ्लोर डिजाइन बनाए थे मुगल आर्किटेक्चर, और अपर से देखिए पूरा कार्विंग किया गया स्टोन के अंदर हिंदू देन मुगल मिश्रण आर्किटेक्चर। The famous blue room that you see in most of the Instagram posts
is not a part of the city palace entry cost. In fact, you have to pay 3,000 extra if you want to explore that part of the palace and click beautiful photos there. None of the content creators on Instagram and YouTube mentioned this information. But luckily, our tour guide gave us this piece of information which broke our heart. The city palace looks so beautiful at night with all the lights and is decorated beautifully. So if you're in city palace, then do come during sunset so that you can see it during the light and also during when these lights are on. So yeah, photos to badhiya aayegi. To chaliye fir dikhate hain aapko ye palace raat mein kaise dikhti hai. Okay, I think we are in the same position as in our Pandu vlog, which we will link here. Look at that. Also, we just completed the tour of the city palace in Jaipur. How was the tour? Very nice. 10 on 10. Yeah. Palachi 8.5. 9.5. So, we hired a guide to give us information. The guide charged us 400 as like. An entry was 300 per person. Right, and he was really nice information in depth. He told us about the weapons that were used, the vehicles that they used, the clothes that they wore at that time, and about all the kings and queens of that era since the till the present day. So it was a nice overall. It is worth hiring. Our guide's name was Vijay Bhaiya, and he was so patient with us. We took 100 photos at each and every point. It has been like, I think, 2 hours it's been, but he has been very patient with us. He didn't rush us and he explained everything very nicely. And best time to come is this only so that you can see the lights. Yeah, you can see the lighting come during sunset, so you can get like sunset pictures and you can see the beautiful lighting. Yes. Since we are Mumbai girls, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, पर फिर भी सुकून तो बहते हुए पानी से मिलता है. सो टू एंड द डे हम जल महल गए, जो मुंबई और जयपुर का परफेक्ट ब्लेंड था. जल महल इज एन अंडरवाटर पैलेस सिचुएटेड राइट इन द मिडल ऑफ द मानसागर लेक. इट इज अ 5-storied बिल्डिंग. And the interesting part is that 4 out of the 5 floors remain underwater while only the top floor is exposed. समुद्र वाले शूट होते हैं, देन ब्लू है पानी पानी हनी सिंह का, वो वहाँ का शूट है और राजा रानी का यहाँ का शूट है. शीश महल आने का मेरा एक सपना था एंड पूरा हो गया है. ये जयपुर में एक एक बकेट लिस्ट टिक होते जा रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी. मेट वन गर्ल फातिमा. नैना जो ठासू सनसेट की बात कर रही थी वो यही है गाइस. खो गए हम कहाँ रंग साए जहाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जादुई मारते हैं. मैं भी हूँ और तू भी है यहाँ.